में पंचायती राज चुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरियाबाद पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 47 ग्राम पंचायत है, जिसमें कुल 304 सरपंच प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। साथ ही 367 वार्ड में 936 वार्ड पंच चुनावी मैदान में है। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट चुनावी मैदान केंद्रों के निरीक्षण पर आज दरियाबाद पहुंचे व तैनात पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरियाबाद पंचायत समिति क्षेत्र में 212 मतदान केंद्र है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सैनिटाइज करके शांतिपूर्ण मतदान करवाया जा रहा है। प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदाताओं को 2 गज की दूरी पर रखा है। वहीं SC/ST सेल के जिला प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक गोपाल सिंह हिंगोलिया एवं उपखंड अधिकारी करतार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई, दरियाबाद थाना CI भगवान लाल मेघवाल भी अचानक मतदान केंद्रों का मुआयना करने पहुंचे और मतदाताओं को COVID-19 के बारे में जानकारी देकर व्यवस्था बहाल तथा तैनात कर्मियों को पाबंदी करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। दरिया पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 47 ग्राम पंचायत है, जिसमें से 304 सरपंच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही 367 वार्ड में 936 वार्ड पंच चुनावी मैदान में हैं। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट भी चुनावी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आज दरियावर पहुंचे। वहीं तैनात पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरियावर पंचायत समिति क्षेत्र में 212 मतदान केंद्र है। सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं को सैनिटाइज करके शांतिपूर्ण मतदान करवाया जा रहा है। प्रशासन ने कोरोना को संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदाताओं को 2 गज की दूरी पर खड़ा कर रखा है। वहीं ST/ST सेल के जिला प्रभारी पुलिस उप अधीक्षक गोपाल हिगोलिया एवं उपखंड अधिकारी करतार सिंह, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई, दरियावर थाना CI भगवान लाल मेघवाल भी अचानक मतदान केंद्र का मुआयना करने पहुंचे हैं। वहीं मतदाताओं को COVID-19 के बारे में जानकारी देकर व्यवस्था की बहाल की तथा तैनात कर्मियों को पाबंद कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरियावर से हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। समिति के जो 212 पोलिंग बूथ है, जो 47 ग्राम पंचायतों के हैं, उनमें सभी में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और कहीं से भी किसी भी मशीन के खराब होने की शिकायत नहीं आई है और सब जगह अच्छी वोटिंग चल रही है। सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है और जो वहाँ एंटर होने वाले हैं मतदाता, उनकी सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। COVID-19 की पालना करते हुए हम मतदान करवा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान। हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना से पीड़ित